हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। आज से हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा पहला वीडियो है बायोकेमिस्ट्री पे। तो पहले हम बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में हम इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारा हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। हिंदी में हम इसे कहेंगे जीव रसायन का परिचय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री से। देखिए, बायोकेमिस्ट्री का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रण बनाया गया है बायो और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो देखो, बायोकेमिस्ट्री जो कि मिश्रण है किसका, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। बायोलॉजी हम सभी जानते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम जैसे एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी को माने तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एनाटॉमी के बाद में आती है फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी में यानी कि आप जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, यानी कि वो उसका क्या काम होता है, जो भी सिस्टम आपने पढ़े हैं, ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम पढ़ते हैं हम, तो हम पहले तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसका काम क्या होता है। उसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हो रही है यानी कि जैसे प्रोटीन बनना, ग्लूकोज बनना, ये सारी क्या है, ये सभी बायो मॉलिक्यूल्स है। तो इन सभी बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि कोई लाइफ है, उस लाइफ के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर हजारों केमिकल्स रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज बेसिक साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं और इसके अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो समझ में आ गया, जीव रसायन इसे हम हिंदी में कहते हैं। एक और मैंने यहाँ पर इसका लिखा है कि स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस। अगर आप शॉर्ट में इसका आंसर देना चाहो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री का, तो ये भी दे सकते हो, स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ की जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी करना, एंड लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी करना, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, द लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सिक्स एलिमेंट, यानी कि लिविंग मैटर यानी कि सेल मेनली सिक्स एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हम वाटर को हटाएं तो 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का 90%, ठीक है, ड्राई वेट की बात कर रहे हैं, ड्राई वाटर ऐड करेंगे तो वेट वेट हो जाएगा, तो ड्राई वेट की बात करेंगे तो 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है, सेल के अंदर, यानी कि सेल हमारी इन सिक्स एलिमेंट से बनी हुई होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। उसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन 90% तो आपके यही होते हैं। उसके अलावा ये सारी चीजें होती है, उसमें क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है आपका यहाँ पर, ऑक्सीजन 65.0%। सेकेंड नंबर पे आपका आता है कार्बन। कार्बन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड मोस्ट सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है आपका, कार्बन ही प्रेजेंट होता है। तो चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सभी में क्या होता है, कार्बन होता है। इतना आपको समझ में आया, सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और देखो, इतना हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, ठीक है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। समझ में आया, और सिस्टम, सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, हमारी बॉडी बन जाती है। इतना आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो, ये तो हमने देख लिया कि सिक्स एलिमेंट जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा जो बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, ये सभी कितने प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो भी हम जरा देख लेते हैं। देखो,
एस्ट्रो की बात करें हम तो 70-90% होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। फिर प्रोटीन होता है 10-15%, कार्बोहाइड्रेट होता है 3% और लिपिड होता है 2% एंड न्यूक्लिक एसिड होता है 5-7% और आयन होते हैं 1%। अब देखो इन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, इन बायोमोलिक्यूल्स इन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं बायोमोलिक्यूल की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो इन बायोमोलिक्यूल्स की अगर कमी हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाते हैं तो कौन सी बीमारी होती है और कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये भी हम बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही समझ पाते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन की कई ऐसी प्रोसेसेस होती है जो कि अगर हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया तो हम बहुत कुछ हमारी बॉडी के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तो हमने पहले बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, यानी कि पूरा सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने उसकी केमिस्ट्री भी समझ ली कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कौन सी चीजें कैसे बन रही है, कहाँ पर बन रही है, कम हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। तो आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली मतलब क्या, आप समझ लो कि आपने आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। भाई आगे बात करते हैं हम, देखो बायोमोलिक्यूल्स की, क्योंकि हमें पढ़ना है क्या बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, वो मोलिक्यूल्स है, वो मोलिक्यूल्स, वो केमिकल्स फाउंड इन द लिविंग सेल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी के अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। अब इन बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाइड किया गया है इन टू टाइप्स, दो टाइप में इनको क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, वैसे तो मैंने आगे लिखा है, फिर से एक बार लिख लेते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ओके ये पी को सीधा कर लेते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। देखो माइक्रो मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि माइक्रो मतलब कि छोटा और मैक्रो मतलब कि बड़ा। अब माइक्रो ये छोटा है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी छोटा होगा, कम होगा, मैक्रो ये बड़ा है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हिंदी में हम इनको कैसे क्या कहते हैं, जैव सूक्ष्माणु और इनको कहते हैं हम जैव स्थूल अणु, ठीक है। अब देखो माइक्रो मतलब कि दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप सिंपल यानी कि ये बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, उनको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते, और लार्जर मॉलिक्यूल्स यानी कि आप उनको तोड़ के फिर से वो सिंपल बन सकते हैं, ठीक है। एक लार्ज मॉलिक्यूल से उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट का सबसे छोटा टुकड़ा हिस्सा बन गया है उसको आप और छोटे में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हो जाते हैं हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स सो कॉल्ड मोनोमर, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि इन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और मेडअप ऑफ मेनी सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर, ठीक है, यानी कि ये किससे मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारे सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड जिसे हम क्या कहते हैं, यहां पर मैंने लिखा है मोनोमर्स, यानी कि ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे सिंपल मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं मोनोमर्स यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है, यहाँ पर भी यही चीज लिखी गई है कि इन्हीं मोनोमर्स से मिलकर यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, समझ में आया। अब एग्जांपल देख लेते हैं, देखो अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो है को अगर हम मतलब ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोटीन, यानी कि एक तरह से हम कहें तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या निकलेगा, अमाइनो एसिड निकलेंगे। तो अमाइनो एसिड आपका सिंपलर फॉर्म हो गया और प्रोटीन आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। उसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स है तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपका क्या हो गया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि सिंपल फॉर्म हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मोनोसैकेराइड,
मोनोसेकेराइड में एग्जाम्पल हमने जैसे लिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है मोनोमर है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या है यानी कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी कि ये पॉलीमर है। इतना आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए मॉलिक्यूल्स यानी कि अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पर बन रहे हैं, कहाँ पर जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस इनका है, कितने हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है, इनका मतलब क्या क्यों ये जरूरी होते हैं हमारे लिए, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, इन्वॉल्व बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ जीव रसायन में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है, यानी कि देखो बायोकेमिस्ट्री का मतलब जो स्टडी हम करते हैं क्या जरूरत है उसकी, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग मैटर यानी कि जो लिविंग मैटर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि इन्हीं प्रोटीन लिपिड एंजाइम विटामिन ये इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद केमिकल चेंजेस विच अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि हम क्या क्या स्टडी करते हैं इसके अंदर कि जो भी केमिकल चेंजेस हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्यूरिंग डाइजेशन, आप खाना खा रहे हो, खाना पच रहे हो तो खाना आपका डाइजेस्ट हो रहा है तो उस वक्त भी कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही है, हजारों केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती है, कुछ एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, आपको जो एनर्जी मिल रही है, बाकी जो भी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है तो न्यूट्रिशन जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन सी केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा हो रहा है, एक्सक्रीशन आपकी बॉडी से जैसे यूरिन निकल रहा है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी निकल रहा है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है तो किस केमिकल प्रोसेस के द्वारा निकल रहा है, ठीक है, उसमें क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ये हमें पढ़ना है। उसके बाद केमिकल चेंजेस विच अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसमें भी बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे हो रहा है, कैसे उनकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि हम हमारी लाइफ के बारे में इसमें समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का क्या महत्व है, इट इज यूज्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। अब देखिए हमने समझा कोई सा भी जैसे मॉलिक्यूल से, कोई सा भी बायो मॉलिक्यूल से या फिर कोई सा भी केमिकल हम ले लें तो वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो डायबिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि ये केमिकल कहाँ से बन रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके बढ़ने से क्या बीमारी होगी ये हम देख सकते हैं, और हमें ये पता चल गया कि ये इसकी वजह से बढ़ रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज क्लीन यूज्ड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी बाय यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि आप अंडरस्टैंड यानी कि फिजियोलॉजी को समझ सकते हो बाय यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का यूज करके, ठीक है। डिटरमाइन How much medicine should be prescribed and given to each patient? यानी कि देखो जो भी मेडिसिन दी जाती है तो वो ये इसी बायोकेमिस्ट्री को समझ के दी जाती है, ठीक है, कि हम कौन से मेडिसिन देंगे तो ये वाला केमिकल रिड्यूस होगा, कौन से मेडिकल मेडिसिन देंगे तो ये वाला केमिकल इंक्रीज होगा, लेकिन आप जब तक बायोकेमिस्ट्री को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से मेडिसिन देनी है, ठीक है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी इज फंक्शनिंग इन बोथ नॉर्मल एंड वेरियस डिजीज, ठीक है, यानी कि आप इससे ये भी समझ सकते हो कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज फंक्शनिंग यानी कि जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर आपकी बॉडी कैसे रिएक्शन करती है, और जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, कोई से भी पर्टिकुलर जगह पर हम बात कर लें, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का ही ले लें या फिर कोई से भी डिसीज ले लें जैसे HIV वगैरह कोई से भी बीमारी ले लें, तो उस बीमारी में जैसे आपका लीवर इन्फेक्शन हो रहा है तो लीवर इन्फेक्शन हो रहा है तो जिस पेशेंट को वो बीमारी है जिससे उसका लीवर खराब हो रहा है तो उस वक्त केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, और नॉर्मल पर्सन का भी हम रखेंगे कि नॉर्मल पर्सन में केमिकल रिएक्शन कैसे चल रही है और जो डिसीज पर्सन है उसमें केमिकल रिएक्शन कैसे चल रही है।
तो ये सारी चीजें हम तब तभी समझ पाते हैं जब हमने बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि आपने इसमें बायो को भी पढ़ा है और केमिस्ट्री को भी पढ़ा है। समझ में आया? आई होप आपको आज की क्लास जो है वो क्लियरली समझ में आई होगी। तो बहुत सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, सारे बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।